खबर पलामू जिले के जनपुर प्रखंड अंतर्गत सहोदया उच्च विद्यालय खेल मैदान से है, जहां स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के समग्र शिक्षा अंतर्गत खेलो झारखंड 2022 की मुख्य प्रतियोगिता जिला शिक्षा पदाधिकारियों के निर्देशानुसार जनपुर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया गया है, जो 21 नवंबर से 23 नवंबर 2022 तक चलेगा। प्रारंभिक चरण में झारखंड सरकार द्वारा यह कार्यक्रम पूरे झारखंड के विद्यालय में किया गया, दूसरे चरण में प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। बहुपयोगी कदम से गांव कस्बे की स्कूली प्रतिभावान बच्चे बच्चियों को विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का सुनहरा अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, जैवलिन थ्रो, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती आदि खेलों में देश का परचम लहराएंगे। जनपुर प्रखंड के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभावान बच्चे एवं बच्चियों ने प्रखंड स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए सेमीफाइनल का मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिसमें कबड्डी का सेमीफाइनल संपन्न हुआ और मध्य विद्यालय चांदो की बालिका टीम फाइनल में जगह बना ली है। फुटबॉल में बसरिया, चांदो, सेमरा, सलतवा विद्यालय की टीमें सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। प्रखंड स्तर पर सभी खेलों को सफल बनाने हेतु विभिन्न विद्यालय के शिक्षकों की एक टीम गठित की गई है, जिसमें चांदो हाई स्कूल प्रधानाचार्य जगन्नाथ सिंह चेरो को अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बैद को संयोजक के साथ ब्रिजेश पांडे, राकेश कुमार, श्यामलाल उराव, नंदकिशोर कुमार, शिव कुमार सुमन, मुमताज आदि को खेल समिति का सहयोगी बनाया गया है, जो बड़े ही निपुणता पूर्वक सभी खेलों को संपन्न करा रहे हैं। आइए देखते हैं द न्यूज रिवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की ग्राउंड रिपोर्टिंग। बसरिया है और पूरा ही है अपना मार का नहीं अंदर गया है पूरा कला नहीं आया नहीं आता ना बोल देगा ये बोल लेंगे ठीक है चलिए आप बोला बना कहां गए मेरे सब आदर दे रहा हूं हो गया था हां आप गिन लीजिए जल्दी लाइन किसी पर लाइन किसी पर वहीं पे बस वहीं 10 मिनट का 10 10 10 10 तो 5 नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं मेदिनीनगर के ये शाहपुर सहोदय विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के ग्राउंड में, जहां पर स्कूली शिक्षा विभाग के तहत, झारखंड सरकार के तहत ये खेल का आयोजन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है खेलो झारखंड। और अभी चैनपुर के विभिन्न स्कूलों से, विभिन्न मध्य विद्यालयों से, विभिन्न विद्यालयों से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, शिक्षक भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आज जो ये झारखंड सरकार ने एक पहल की है, इस पहल से क्या लगता है विद्यार्थियों में, किस प्रकार का अनुभव और किस प्रकार का फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइएगा और अपना परिचय के साथ ये बताइएगा कि आज जो ये झारखंड सरकार की पहल है खेलो झारखंड के तहत, स्कूलों में जो है विद्यार्थियों को कई प्रकार के खेल और प्रतिभा को दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, खेल से उनको फायदा मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले द रिवोल्यूशन टीम को धन्यवाद कि आज आप हमारे चैनपुर प्रखंड के सहोदय विद्यालय में आए हैं। मैं नंद किशोर कुमार, सहायक शिक्षक अफिलेटेड मिडिल स्कूल केवाल, और यहाँ पर हम लोग 22 शिक्षक जो है खेल को कराने के लिए प्रतिनियुक्त है, और मैं कबड्डी के लिए स्पेशली हूँ और कबड्डी खिला रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है, और झारखंड सरकार खेलो झारखंड का एक पहल बहुत अच्छी पहल है, जहाँ देहाती क्षेत्र से जो हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, जो देहाती क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए एक सुनहला मौका है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। इसके तहत इस खेल का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे 14 संकुल के बच्चे शामिल हैं। ये जो खेल का आयोजन किया गया था, सबसे पहले विद्यालय स्तर पर जो हुआ था वह 16 और 17 तारीख को हुआ था, संकुल स्तर पर 18 तारीख को हुई थी, और 21, 22 और 23 तारीख को प्रखंड स्तर पर संचालित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें कि कल और आज का लगभग खेल समाप्त हो चुका है। कल हमारा जो फाइनल का मैच होना है, जो कि कबड्डी और फुटबॉल की क्लास 6 से 8 और 9 से 12 के बालक और बालिका वर्ग का कल फाइनल होगा। और आज जो मैच हो रहा है अभी फुटबॉल और कबड्डी का, ये बहुत ही रोमांचक मैच अभी आप देख रहे होंगे, और हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी उत्साहित हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारी टीम है वो काफ़ी उत्साहित है,
और सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक खेल संचालित हो रहा है। थोड़ी सी समस्या हो रही है हमारे स्कूल के बच्चे को विद्यालय जाने में, अपने घर पहुंचने में, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति चैनपुर प्रखंड की सही नहीं है। फिर भी अपने रिस्क पर बच्चे यहाँ आ रहे हैं और अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, इस प्रकार से सहायक शिक्षक ने बताया कि बच्चों के अंदर एक खेल प्रतिभा के साथ साथ शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास भी होगा। झारखंड सरकार के इस झारखंड खेलो जो ये आयोजन है, ये कार्यक्रम है, ये बेहतर बताते हैं। हमारे बीच चांदो हाई स्कूल के प्रधानाचार्य उपस्थित हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या लगता है बच्चों में उत्साह देखी जा रही है। सर, प्रथम तो आप लोगों को इस सहोदय हाई स्कूल शाहपुर के मैदान में जो आप लोग पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेलो झारखंड के अंतर्गत सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर 16, 17 और 18 और प्रखंड स्तर पर 21, 22, 23 में यह खेलकूद प्रतियोगिता करा लेना है। इस खेल से सरकार का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में बच्चों के बीच कई तरह के प्रतिभा छिपी हुई है जिसको निखारने का उन्हें मौका नहीं मिला है। तो सरकार का यह उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे जिनके पास प्रतिभा है, अच्छी प्रतिभा है, फुटबॉल में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, फुटपुट इत्यादि जो खेलकूद प्रतियोगिता है, इन जो उन गरीब बच्चों में जो आगे तक नहीं आ पाते हैं गरीबी के चलते, उनमें भी प्रतिभा जो छिपी हुई है वह सामने आए, और ताकि वे बच्चे भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से शिक्षकों ने जानकारी दिया कि इस खेल के माध्यम से, झारखंड खेलो खेल के माध्यम से जो सुदूर इलाकों में जो बच्चे रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में, उनमें कई प्रकार की प्रतिभाएं जो छिपी हुई है वो बाहर निकल के आएगी, इसके लिए झारखंड सरकार को, पूरे विद्यालयों के शिक्षकों ने सराहा है इस खेल के आयोजन के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया, कबड्डी के साथ साथ तीरंदाजी, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी और जैवलिन थ्रो जैसे कई जो गेम है वो बच्चों के बीच खिलाया गया है, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे, झारखंड के जो बच्चे हैं, जो सुदूर इलाकों के बच्चे हैं, वो इस कार्यक्रम का फायदा उठाकर अपने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अपनी प्रतिभा को दिखाने में सक्षम होंगे। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।